नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके जन्म से कुछ रिलेटेड बातें। जब भी किसी भी व्यक्ति का जन्म पृथ्वी पर होता है तो नाम राशि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, उसी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का नाम रखा जाता है। नाम का शुरू का अक्षर उसी राशि से रिलेटेड होता है। राशियों का हिसाब से ही नाम रखा जाता है किसी भी व्यक्ति का। चंद्रमा की स्थिति में ही उसके नाम का अक्षर सोचा जाता है। जब चंद्रमा जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति के हिसाब से, उसी ग्रह में और उसी राशि के हिसाब से उसका नामकरण सोचा जाता है। आपका नाम आपके लिए लकी है या नहीं, जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर 1, मेष राशि के लोग। जिन लोगों की मेष राशि होती है तो उनका ग्रह मंगल है और मंगल उनके स्वामी होते हैं। जाता है इस राशि के लोग ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, निडर होते हैं और अपने काम को करने की निष्ठा भी खूब अच्छे से करते हैं। जिस व्यक्ति की भी ये राशि होती है वह व्यक्ति अपने कार्य को पूरी तरह से सफल करता है। नंबर 2, वृषभ राशि। जिस भी व्यक्ति की वृषभ राशि होती है वह अपना जीवन सुख सुविधा के साथ आराम से बिताना चाहते हैं। वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं करते, वह चाहते हैं कि आराम से उन्हें बैठे घर पे सब कुछ मिल जाए, सुख और सुविधाएं आराम से बैठकर अपने घर पर ही पाए। इसका मुख्य ग्रह शुक्र माना जाता है। नंबर 3, मिथुन राशि। जिस भी व्यक्ति की मिथुन राशि होती है तो वह बातूनी होते हैं, यानी कि बातें बनाना आता है और वह मास्तिक उनका केंद्र माना जाता है। इनका मुख्य ग्रह बुध होता है और यह अपने कार्य और अपनी जो भी लाइफ है उसको सेटलमेंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के ग्रह चंद्रमा है। माना जाता है जिस भी व्यक्ति की राशि कर्क राशि होती है वह अपने घर में कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। उनका कार्य होता है कि घर में जो भी कार्य है उसमें अपना हाथ बटाएं और उन्हें घर में ही रहना ज़्यादा पसंद होता है। नंबर 6, सिंह राशि। जिस व्यक्ति की सिंह राशि होती है उसका ग्रह सूर्य माना जाता है। कहते हैं ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, रचनात्मक होते हैं और यह कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोगों पर इनकी छाप छूट जाती है, यानी कि लोग काफ़ी वर्षों तक उसे याद रखते हैं। नंबर 7, कन्या राशि। जिस भी व्यक्ति की कन्या राशि होती है उनका ग्रह बुध माना जाता है और जिन व्यक्ति की कन्या राशि होती है लोग नकचिड़े होते हैं स्वभाव से और वह लोग हास्य के पात्र भी बनते हैं, लेकिन वह अपने कार्य में बहुत ज़्यादा कुशल और स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। वह अपने कार्य को बहुत महत्वपूर्णता से करते हैं। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि के मुख्य ग्रह शुक्र हैं और जिन व्यक्ति की तुला राशि होती है वह लोग बहुत ज़्यादा कुशल माने जाते हैं। उनका ध्यान केंद्रित होता है और वह अपने कार्य को पूर्णता से करते हैं, लेकिन यह जब करते हैं जब इन्हें अपने पार्टनर का साथ मिल जाता है। जब इन्हें पार्टनर का साथ मिल जाता है तो यह अपने आप को पूर्ण मानते हैं, यानी कि पूरा मानते हैं। नंबर 8, वृश्चिक राशि। जिन व्यक्ति की वृश्चिक राशि होती है उनका ग्रह मंगल है। वह व्यक्ति अपने अंदर रहस्य को छुपा सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही रहस्यपूर्ण होते हैं। वह अपनी बातों को या दूसरों की बातों को इधर उधर नहीं करते, वह जो भी बातें कही जाती हैं वह अपने अंदर ही रखते हैं। धनुराशि। धनुराशि का मुख्य ग्रह वीरवार है, यानी बृहस्पतिवार, और इस राशि के लोग सच सुनना पसंद करते हैं और भगवान पे इनकी अनिष्ठा एकता बनी रहती है। नंबर 10, जिन व्यक्ति की राशि मकर राशि है तो उनका ग्रह शनि होता है और ये लोग कुछ ज़्यादा ही व्यवस्थित और कुशल होते हैं। ये लोग अपना कार्य खुद करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते। नंबर 11, कुंभ राशि। जिस भी व्यक्ति की राशि कुंभ राशि होती है तो उनका ग्रह शनि है और वह लोग कुछ ज़्यादा ही परोपकारी होते हैं और दुनिया को एक नया रूप देने की चेतना में लगे रहते हैं। नंबर 12, मीन राशि। मीन राशि का ग्रह भी शनि है और कहा जाता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही बेहतरी होते हैं, यानी कि अपने कार्य में परिपूर्ण होते हैं और अपने कार्य को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरों की मदद करना ये सबसे अच्छा कार्य करते हैं। तो ये हैं 12 राशियों के हिसाब से उनके नेचर की कुछ बातें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।